अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब ताज है, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। अपने एक प्रोजेक्ट एलिमेंट्स रेजिडेंशिया के सामने खड़ा हूँ। जब मुझसे कोई बंदा पूछता है कि जी आपके इस प्रोजेक्ट की लैंड कितने कनाल की है, तो मैं 5.5 भी उसे कह सकता हूँ, 6.5 भी कह सकता हूँ, और वो दोनों आंसर्स बिल्कुल बिल्कुल ठीक होंगे। हम ऐसे शहजादे हैं कि क्या ही बात है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। यूनिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया में इसलिए आया कि ताकि हम कम्युनिकेशन बहुत ईजिली कर सकें लोगों के साथ। अगर एक बंदा बोले कि मैं भारी हूँ, दूसरा बंदा बोले मैं ज़्यादा भारी हूँ, तो इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन इसको क्वांटिफाई करने के लिए हमने यूनिट्स बनाए, जैसे कि केजी एक यूनिट है। हर किसी को पता है कि 1 kg कितना होता है। अगर एक बंदा बोलता है कि मैं 60 kg का हूँ और एक बंदा बोलता है कि मैं 65 kg का हूँ, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि वो ज़्यादा भारी है। लेकिन हमने अपने एरियाज़ के यूनिट को ऐसा मैनिपुलेट किया कि अब मरला कहना एम्बिगुअस सा हो गया। ऑफिशियली ब्रिटिश राज में जो मरला था वो स्क्वायर फुट में 272.25 स्क्वायर फीट का था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई डोंट नो कैसे हमने उसको चेंज कर दिया। 272.25 का और एक तरीका ये है कि आप 5.5 फीट का एक करम होता है, लगभग एक कदम जितना ही होता है, 9 स्क्वायर करम्स को हम एक मरला कहते हैं, 272.25 फीट। हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने इसको 250 किया, फिर 225 किया, और कुछ जगह मैंने सुना है कि 260 भी है। तो अब मैं आपको एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन दिखा लूँगा जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी कि असल में मरला क्या होता है और ये तीनों क्या साइजेस हैं। यहाँ पे थैंक्स टू माय क्रू सादत, सलीम, उमर, वाजिद, जिन्होंने मुझे ये स्क्वायर बना के दिया। तो जो बड़ा वाला आप स्क्वायर देख रहे हैं ये एक मरला है, 16.5 फुट का ये स्क्वायर है, ये 272 का मरला है। अब आप इससे पिछले वाले स्क्वायर के ऊपर अगर आ जाएं, अगर ये जगह देखें, तो इतना ये वाली जो लेंथ है ये कम हो जाती है, ये छोटा वाला मरला है 250 वाला, और जो उससे कम है वो 225 वाला, ये छोटा सा मरला है। तो इसके फ़र्क को और जाहिर करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बाहर वाली पट्टी है 272 से 225 तक का जो सफ़र है उसका जो फ़र्क है वो ये है। तो ये जो स्क्वायर है ये तकरीबन 47 स्क्वायर फीट है, ये वो डिफरेंस है जो 225 और 272 का है। तो बेसिकली अगर एक मरले में 272 की बजाय 225 आपको मिलता है तो ये फ़र्क होता है, ये ऑलमोस्ट एक वॉशरूम की जगह है, एक मरले में इतना ज़्यादा गैप आता है। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।